हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल एके मैकेनिकल लेक्चर्स। नाउ ऑनवर्ड्स आई एम नॉट ब्रिंगिंग एनी लेक्चर्स ऑन दिस चैनल। आई विल मेक वीडियोस ऑन न्यू वैकेंसीज और पीएचडी एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड वीडियोस। सो टुडेज वीडियोस रिलेटेड टू पीएचडी एडवर्टाइजमेंट ऑफ एनआईटी वारंगल। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कि एनआईटी वारंगल ने अपना दिसंबर 2020 सेशन का जो है एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे उसका आ गया है। ये आपका ब्राउजर है जहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ एनआईटी वारंगल पीएचडी एडमिशन दिसंबर 2020 सेशन, और इसमें आपका कौन कौन सा डिपार्टमेंट के लिए आया हुआ है। तो ये आपका है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटलर्जी एंड मेटेरियल के लिए, केमिकल के लिए, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बायोटेक, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के लिए, और स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। इतने डिपार्टमेंट के लिए आया हुआ है ये एडवर्टाइजमेंट आपका पीएचडी का। इसमें आप इसका देख सकते हैं कि इसका टेंटेटिव डेट क्या क्या है। इसका जो इनवाइटिंग एप्लीकेशन आपका अनाउंसमेंट हुआ है वो 30 नवंबर को हुआ है। लास्ट डेट इसका फॉर्म भरने का है वो 18 दिसंबर। फिर शॉर्ट लिस्ट जो होगा आपका देगा रिजल्ट इंटरव्यू के लिए, दैट इज़ ऑन 29 दिसंबर 2020। रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू आपका 4 से 8 तारीख के बीच में इन सारे डिपार्टमेंट का आपका होगा इंटरव्यू और रिटर्न टेस्ट। फिर सिलेक्टेड कैंडिडेट का रिजल्ट आपका दिया जाएगा 12 जनवरी 2021 को, और जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट रहेंगे उसका रिपोर्टिंग वहाँ पे रहेगा 18, 19 और 20 जनवरी 2021 को। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये कितने कैटेगरी के लिए एडवर्टाइजमेंट आया है। ये एक फुल टाइम है और पार्ट टाइम है। फुल टाइम में भी बहुत सारे कैटेगरी हैं, जैसे फुल टाइम स्टूडेंट, ऑन इंस्टीट्यूट फेलोशिप, फिर फुल टाइम गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट फेलोशिप अवार्डी, जैसे इसमें भी QIP, FIP, CSIR बहुत सारे इसमें भी रहते हैं। फिर कुछ एक आपका कंपनी से स्पॉन्सर्ड रहते हैं प्रोजेक्ट, उसके बेस पे भी ये पीएचडी के लिए होता है यहाँ पे। फिर कई सारे आपके और भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है। फिर पार्ट टाइम के लिए आपका जो एनआईटी वारंगल के फैकल्टी हैं या अदर परमानेंट स्टाफ है उसके लिए है, कुछ जो आपका गवर्नमेंट कॉलेजेस में टीचिंग कर रहे हैं उनके लिए है, या प्राइवेट कंपनीज वगैरह में जॉब कर रहे हैं उसके लिए पार्ट टाइम का है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। बेसिक एलिजिबिलिटी जो आपका है वो है फर्स्ट क्लास विथ 60% और 6.5 CGPA एट बोथ UG एंड PG लेवल। किसके किसके लिए? अदर कास्ट के लिए, OBC, EWS और कैटेगरी के लिए, और मिनिमम 55% आपका चाहिए या 6 CGPA SC ST और फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी के लिए। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए आ जाइए तो यहाँ पे आपका होना चाहिए मास्टर डिग्री, यानी मास्टर डिग्री इंजीनियरिंग ऑन टेक्नोलॉजी या MS वाई रिसर्च होना चाहिए। रिलेटेड आपका ब्रांच, जिस भी ब्रांच के लिए आप अप्लाई करें उस ब्रांच से इक्विवेलेंट में आपका MTech डिग्री होना चाहिए, और किसी भी ईयर का आपका गेट क्वालिफाई होना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका करंट का हो जो वैलिड गेट स्कोर हो। आप कभी भी ईयरली, मतलब या तो MTech आपने इससे एडमिशन ले रखा हो गेट स्कोर के थ्रू, या उससे पहले का कोई भी गेट स्कोर आपका काम चल जाएगा। और दूसरा आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, या इसमें दो कैटेगरी, या तो MTech आपका है तो भी PhD के लिए अप्लाई कर सकते हो, या आपका BTech है तो भी डायरेक्ट इंटीग्रेटेड में अप्लाई कर सकते हो MTech विथ PhD। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? BTech चाहिए और या BA आपका, बट विथ वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। इसमें आपको CGPA कितना होना चाहिए मेंटेन? 8 होना चाहिए, और या 75% फॉर अदर कास्ट OBC कैटेगरी के लिए, और 7.5 और 70% फॉर कैंडिडेट अंडर SC ST कैटेगरी के लिए। साइंस डिपार्टमेंट के लिए, साइंस डिपार्टमेंट वाले यदि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में आपका अप्लाई करते हैं तो उनके लिए मास्टर डिग्री इन रेलिवेंट डिग्री ऑफ साइंस लाइक मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, या BTech और इक्विवेलेंट डिग्री, या MTech और इक्विवेलेंट डिग्री, ये होना चाहिए। और इसमें आपका नहीं, ये साइंस डिपार्टमेंट के लिए अलग है। आपका साइंस डिपार्टमेंट के लिए MSc या BTech, MTech कोई भी डिग्री आपका काम चल जाएगा। और उनके लिए ये है कि मस्ट हैव क्वालिफाइड इन गेट, UGC, CSIR, इंस्पायर, नेट, नॉट कंपल्सन फॉर पार्ट टाइम स्कॉलर। पार्ट टाइम स्कॉलर के लिए ये सारे गेट, UGC वगैरह आपका ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। फिर ह्यूमैनिटीज़ के लिए भी आप देख सकते हैं मास्टर डिग्री इन रेलिवेंट डिसिप्लिन ऑफ इंग्लिश होना चाहिए,
ऑल कैंडिडेट मस्ट हैव क्वालिफाइड गेट यूजीसी सीएसआईआर इंस्पायर नेट और पार्ट टाइम के लिए इसमें भी कोई मैंडेटरी नहीं है। फिर सेम आपका स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के लिए है कि आपका वो कैट गेट यूजीसी नेट ये सारी चीज़ें क्वालिफाई होना चाहिए, यहाँ पे देख सकते हो। और पार्ट टाइम के लिए यहाँ भी वो कोई कंपलसरी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपकी एलिजिबिलिटी हो गई। फिर बात किया जाए आपका इसका फ़ीस का, तो इसका पर सेमेस्टर आपको 39,500 पे करना पड़ेगा वहाँ पे। इसमें सारा इंक्लूड है, ट्यूशन फी है 7,500 और अदर फीस इंक्लूडिंग में हॉस्टल वगैरह आपका 32,000 है। और ये 39,500 आपका पर सेमेस्टर है। और इसके बाद आपको जब फिफ्थ से में रहोगे तो इसमें थीसिस का आपका 5,000 देना पड़ेगा और थीसिस इवेल्यूएशन के लिए 25,000 ये एक्स्ट्रा पे आपको पे करना पड़ेगा। फिर आ जाइए इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला लिंक जो है, एप्लीकेशन फॉर्म इज टू बी सबमिटेड ऑनलाइन विच इज अवेलेबल एट दिस वाला, ये जो आपका लिंक है इस लिंक को आप पेस्ट करोगे तो इसके थ्रू आप फॉर्म भर सकते हो। फिर इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट वगैरह आपको अपलोड करना पड़ेगा, वो भी ऑनलाइन कर देना है। फिर ये नीचे आपको पेमेंट का लिंक भी दिया हुआ है, इसके थ्रू आप कर सकते हो। मैं इसका आपका जो एडवर्टाइजमेंट का जो भी ब्राउचर है उसको डिस्क्रिप्शन में यहाँ अटैच कर दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो। फिर ये सारी चीज़ें आपको, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा फॉर्म के साथ में, जैसे सीनियर सेकेंडरी का, इंटरमीडिएट का, फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट और मार्क्स मेमो जो भी है क्वालिफाइंग एग्जाम का, वो सारी चीज़ें अपलोड करना है आपको। कास्ट सर्टिफिकेट लाइक SC ST हो गया, IEWS कैटेगरी, ये सारी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। OBC कैटेगरी का और EWS कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2020 के बाद का इशूड होना चाहिए। फिर यदि आप कोई जॉब कर रहे हो और वो पीएचडी करना चाहते हो तो उनको एक NOC कंपनी से बनवा के देना पड़ेगा। फिर आपका यहाँ पे फ़ोटो वगैरह होना चाहिए, फ़ोटो मतलब रिसेंट जो भी आपका फ़ोटो का वो रिसेंट होना चाहिए। फिर ग्रेड स्कोर कार्ड जो भी गेट वगैरह का है वो सारी आपको अपलोड करना है। फिर फी पेमेंट रिसिप्ट भी अपलोड करना है विथ ट्रांजेक्शन नंबर। फिर एक स्टेटमेंट ऑफ प्रपोजल भी आपको बना के उसमें अटैच करना पड़ेगा, वो आप नेट पे देख लेना कि कैसे क्या बनाया जाता है। तो ये सारी डॉक्यूमेंट है अपलोड करना। फिर PhD पार्ट टाइम के लिए भी सेम उसी तरीके का लिंक है, पेमेंट का आपका यहाँ पे देख सकते हो लिंक दिया हुआ है। फिर ये फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे उसके बाद पेमेंट का आएगा लिंक, वो नीचे वाले से आप कर दोगे। ये सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ पर ये सारे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं उनके रिसर्च एरियाज है, जो आपको जब फॉर्म भरोगे तो उसमें दो या तीन ऑप्शन रहेगा आपको रिसर्च एरिया डालने का, तो वही रिसर्च एरिया यहाँ से आपको जो आपको पसंद का होगा उसके अनुसार वहाँ पे फिल कर दोगे। ये सारी चीज़ें हैं, ये इतने रिसर्च एरियाज यहाँ पे देख सकते हो आप, ये सारे हैं। फिर नीचे में यहाँ पे आ जाओगे तो बहुत सारे, जैसे इनकम एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाई EWS भी कर सकते हैं, EWS के लिए ये सर्टिफिकेट आपको बना के देना है। फिर यहाँ पर आ जाइए, OBC कैंडिडेट के लिए ये डिक्लेरेशन आपको बना के देना है। ये सारी चीज़ें आपको, इतना प्रोसेस है इसका फॉर्म भरने का। और बाकी इसका जो ब्राउचर है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा। तो बस इतना ही आज के लिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।